हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोपता अकेडमी। माय नेम इज़ भानु लोहिया और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं और चैप्टर वाइज हम ये आगे को सीरीज करेंगे। तो एक स्पेशल टॉपिक होगा जिससे हम एक आपके 20 क्वेश्चन उठाएंगे। तो आज के क्वेश्चन हैं, ये हैं आपके एक्ट से, जितने भी एक्ट हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसी हुई, उससे ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। जैसे आपने अगर पॉलिटी की बुक में देखा होगा तो कौन कौन से एक्ट हैं और उनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी आप वहाँ बुक से वो चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले वो टॉपिक पढ़ें और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, यूएस का, आईसीस का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ी है तो आप जानते हैं कि जो 1935 का एक्ट था उसे बेस मानकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करा था। हाँ, हमने और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीज़ें ली थी, कुछ आपकी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, कुछ आईसीस से ली थी, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है वो हम कहते हैं कि आईसीस से ली है। हालांकि उसका भी जो बेस था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो आपका 1935 का एक्ट था, लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमने और कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो करी है। और अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं, आपके यूएसए से लिए हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हमने कहाँ से ली है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आप पॉलिटी को लगातार पढ़ रहे हैं। और ब्रिटिश से आपको कमेंट सेक्शन में भी ये भी बता सकते हैं कि ब्रिटिश से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो हमने ब्रिटिश से ली है, आपका जो कैबिनेट सिस्टम है मिनिस्ट्री का वो हमने लिया है, और पार्लियामेंट टाइप जो आपका पार्लियामेंट सिस्टम रहता है वो ब्रिटिश से लिया है, या आपका बाई कैमरल जो फीचर रहता है लोअर हाउस और अपर हाउस वो हमने ब्रिटिश से उसका इन्फ्लुएंस है। स्पीकर लोकसभा का स्पीकर, ये सब चीज़ें हमने किससे ली है, ब्रिटिश से ली है। और यूएसए से आप हमने क्या लिया है, मेनली जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविज़न है वो भी हमने इससे लिया है। फंडामेंटल राइट है, प्रियम्बल है, मेन जो आप प्रियम्बल है उसका इन्फ्लुएंस हम यूएसए का इन्फ्लुएंस हम प्रियम्बल में देख सकते हैं। तो लेकिन इन सब के बावजूद जो मेन इन्फ्लुएंस है वो हमारा 1935 का एक्ट है, उससे लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज मेड थ्रू। जो पहला अटैम्प्ट था कि रिप्रेजेंटेटिव, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट है गवर्नेंस में वो लाने के लिए किस एक्ट में हुआ, क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव का है कि इंडियन को एसोसिएशन में लाना है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाना है, आपका जो इंडियन है उनको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करना है, या आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करनी है, तो ये आपका 1861
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1861 के तहत लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन को और रिप्रेजेंटेटिव बिगनिंग करी। आप सभी जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट है वो दो तरह से आपकी हुई है। एक है आपका 1858 तक उन्होंने क्या करी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और 1858 के बाद क्या करी, डी सेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को डिवाइड करा। और 1857 के पहले उन्होंने क्या करा, पावर को एक ही, जैसे वॉइसराय था या गवर्नर जनरल था, उन्हीं के हाथों में पावर को उन्होंने लिमिट करा था। और 1861 एक्ट के बारे में और बातें अगर आपने पढ़ी होगी तो उस समय लॉर्ड कैनिंग वॉइसराय बने थे, और लॉर्ड कैनिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, जो हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए मिनिस्टर की फॉर्म में, वो किसने शुरू करा था, लॉर्ड कैनिंग ने शुरू करा था। और दूसरी बात आती है कि ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल 123 में हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो ये भी किसने शुरू करा था, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 के एक्ट के थ्रू ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कॉम्युनल इलेक्ट्रोलेट। जो कॉम्युनल इलेक्ट्रोलेट है वो किसने, किस एक्ट के थ्रू शुरू करा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी, और क्या कहते हैं इसे, हाँ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, जिसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोलेट लेने की बात करी। अब सेपरेट जो इलेक्ट्रोलेट है और जो रिजर्व इलेक्ट्रोलेट है, इसमें क्या डिफरेंस है। सेपरेट में मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोलेट दिया गया है, तो मुस्लिम कम्युनिटी ही उसमें वोट करेंगे और उसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्ट होगा। लेकिन रिजर्व में क्या होगा कि वो रिजर्व रहेगा एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए, लेकिन जो वोटिंग राइट है वो सभी के पास रहेगा। तो 1909 में ये कॉम्युनल इलेक्ट्रोलेट हुआ, और इसीलिए जो मिंटो है, जो आपका मिंटो है, उनको फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोलेट भी कहते हैं। क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोलेट किसे कहते हैं, तो आंसर रहेगा लॉर्ड मिंटो। और 1909 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे पहले इंडियन को मौका मिला था। तो पहले इंडियन कौन थे, एसपी सिन्हा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब मौका मिला था, आपसे फिर से रिवीजन क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को कब इंट्रोड्यूस करा था। यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो 1909 है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वर्चू ऑफ विच एक्ट डायरेक्ट द्यार्ची वाज इंट्रोड्यूस। अब द्यार्ची किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1919, 1935 या 1947। तो इंट्रोड्यूस 1919 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए। अब त्यार्ची में क्या रहेगा, एक आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे आपके रिजर्व सब्जेक्ट रहते हैं। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें गवर्नर विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसीजन लेंगे, और रिजर्व में गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव इसमें डिसीजन लेंगे। और रिजर्व सब्जेक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका कोई रोल नहीं रहता, इसलिए इसे रिजर्व सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो प्रोविंस में
सबसे पहले दियार की इंट्रोड्यूस करी गई थी 1939 में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सेंट्रल सेंट्रल सब्जेक्ट्स में कब दियार की को इंट्रोड्यूस किया गया। अगला है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950 एज। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस फॉर्म में 1950 में हमारे संविधान में देखे गए, फंडामेंटल राइट की फॉर्म में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में, या फंडामेंटल ड्यूटी या एमरजेंसी प्रोविजन। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उन्हें 1935 में एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन देखा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, जो 1935 का मेन बेस क्या था। आपका प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट सिस्टम था, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस था, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन था, या नन ऑफ द अबव था। तो 1935 में जो मेन बातें थी वो आपकी फेडरेशन और पार्लियामेंट सिस्टम था। और 1935 में हमने क्या देखा, एक तीन तरह की लिस्ट हमें मिलती है आपकी, फेडरल लिस्ट, एक है आपकी फेडरल लिस्ट देखी गई थी, और आपकी सेंट्रल प्रोविंशियल प्रोविंशियल लिस्ट देखी गई थी, और तीसरा है कॉन्कुरेंट लिस्ट। ये तीन तरह की लिस्ट थी जो फेडरेशन के ऊपर बेस थी, और बाई कैमरलिज्म भी इसमें 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बाई कैमरलिज्म क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में, अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट। और आपसे कभी सेक्शन में क्वेश्चन है, एचएस के एग्जाम में भी आया था कि करंट कौन कौन सी स्टेट में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलती है। कमेंट सेक्शन में आपने स्टेट्स के नाम बताने हैं और कितनी स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलती है। एचएस में भी क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, शायद 2020 में ही या 2019 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन का कौन मेंबर नहीं था, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर, या जॉन साइमन। तो जॉन साइमन थे, उनका कोई रोल नहीं था आपका कैबिनेट मिशन में। बाकी लॉरेंस, क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर सभी आपके शामिल थे कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आपका लागू हुआ, 9 दिसंबर 1946, या 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1951। तो जो फोर्स में आया वो आपका टोटली फोर्स में आया वो है आपका 26 जनवरी 1950। हालांकि जो कुछ चीज़ें थी वो आपका जो 26 नवंबर से ही स्टार्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंडिपेंडेंस विल रिसीव रॉयल असेंट, जो रॉयल सहमति थी वो कब मिली उन्हें, जुलाई 18 1947, 19 जुलाई, 20 जुलाई, या 21 जुलाई। तो आपकी जो 18 18 जुलाई 1947, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 जुलाई 1947 को इनको रॉयल असेंट मिला था। अब है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय, सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत मिला था, रेगुलेटिंग एक्ट 73, पीट्स एक्ट 1784, या आपका चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833। तो आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि इसके जज कौन थे, तो एलिजा इन पे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। और पीट्स एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी आपने पढ़ना है, इसमें जो 1773 में पहले आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, फिर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है
वो एक न्यू बॉडी के रूप में हमें 1784 के एक्ट में मिला, जिसका जो मेन काम था वो क्या था, पॉलिटिकल अफेयर को देखना। और 84 में जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनका जो रोल था वो कमर्शियल अफेयर के लिए कर दिया था। तो इस तरह से आपने हर एक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन एक्ट 1935 रेजिडरी पावर वर गिवन टू, जो रेजिडरी पावर है वो किसे दी गई थी, फेडरल लेजिस्लेशन को, प्रोविंशियल गवर्नर जनरल को, या प्रोविंशियल गवर्नर को। तो वॉइस राय या गवर्नर जनरल इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब, 1947 में, 1949 में, 50 में, या 52 में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो 1950 में ये अडॉप्ट करा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू हैज ए चार्टर ऑफ स्लेवरी, तो किसकी क्रिटिसिज्म करते हुए उसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था, 73 एक्ट को, 1784 को, 1813 को, या गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 को। आपको पता है, अगर हिस्ट्री भी से भी आप वाकिफ है, कि जवाहरलाल नेहरू एक्टिव ही आपके 27 के बाद हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उन्होंने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। क्यों? क्योंकि उस समय वो आपकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वो सब बातें नहीं दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। हु वाज़ द चेयरमैन ऑफ पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके थी, सरदार वल्लभ भाई के पास थी, या आपकी भीमराव अंबेडकर जी के पास थी, या कृष्णा स्वामी अय्यर के पास थी, या जवाहरलाल नेहरू के पास थी। जहाँ यूनियन वर्ड आएगा वहाँ मैक्सिमम टाइम आपने जवाहरलाल नेहरू पे ही टिक करना है। जो यूनियन पावर कमेटी है वो आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और दूसरी कौन सी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एक पावर कमेटी हो गया, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, और स्टेट कमेटी नेहरू जी के पास थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, आप किसने प्रिसाइड करी थी। यहाँ से टेम्परेरी आपको प्रेसिडेंट बताना है, राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, भीमराव अम्बेडकर थे, या एचपी कमलनाथ थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, बाद में फिर जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, तो कब से फंक्शनिंग, 9 दिसंबर 1946 से, 1 जनवरी से, 26 जनवरी से, या 15 अगस्त से। तो आपका 9 दिसंबर, ये भी एचएस में क्वेश्चन पूछा गया है, 9 दिसंबर 1946 में ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंक्शन करना स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज़ द एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हु वाज़ ए एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन से एडवाइजर, शिवराव थे, भीमराव अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, या भीम राव थे। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं बी एल राव एडवाइसर थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हॉल्ड एंड, पहला सेशन कब हेल्ड हुआ था, आपका 9 दिसंबर 1946 को, 1 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो ये क्वेश्चन रिपीट है कि 9 दिसंबर 1946 को आपका फर्स्ट सेशन हुआ था। विच एक्ट स्टार्टेड एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली किस एक्ट के द्वारा खत्म की गई, पिट्स एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 33। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो चार्टर एक्ट
1813 का है उसके तहत। लेकिन फिर भी इसके अगर देखा जाए तो टी टी के साथ चाय के उसमें कॉन्टेक्स्ट में और चाइना से ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी जो कंप्लीट मोनोपोली थी वो 1833 में एंड की गई थी, लेकिन चार्टर एक्ट के तहत जो ऑलमोस्ट मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसे खत्म किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एक्ट अलाउड द इंडियन टू लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस में अब देखो क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग फॉर्म में इसे है। अब पहला आपसे पूछा गया था कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन कब बिगनिंग हुआ, अब डायरेक्ट पूछा है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में किस एक्ट के तहत इंडियंस को लाया गया। तो आपका क्या है, पिट्स एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, चार्टर एक्ट है, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। तो आपका जो 1861 का था उसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में 3 इंडियन को लाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किस किस को, जो बनारस के राजा थे, बनारस बनारस के राजा थे और महाराज ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा थे, और दिनकर राव, इनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाया गया। और एग्जीक्यूटिव में कब लाया गया, एग्जीक्यूटिव में वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसपी सिन्हा 1909 में। और 1892 का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्यों, क्योंकि इसमें इंडियंस को बजट डिस्कस करने के लिए अलॉट किया गया था। और इसके बाद जो एक्ट आया था 1909 में उसमें इंडियंस को जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उनके लिए भी अलॉट किया गया था। तो इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट रही है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी उसमें आपने एक कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनकी कौन कौन सी कमेटी है, और जो सेकंड चैप्टर है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, इन तीन से हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो आप उस चैप्टर को पढ़ के आ सकते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।